हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रदीप सिंह यादव। दिस वन इज द 13th लेक्चर ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन एंड टुडे वी आर डीलिंग विद डीमॉड्यूलेशन ऑफ PWM। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। इसके पहले के लेक्चर में आप लोगों ने देखा था मॉड्यूलेशन ऑफ पल्स विद मॉड्यूलेशन ऑफ PWM। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम सिग्नल को हायर डिस्टेंस पर ट्रांसमिट करते हैं तो उसके साथ हमें मॉड्यूलेशन प्रोसेस अप्लाई करना होता है ताकि नॉइस हमारे सिग्नल को ज़्यादा डिस्टॉर्ट ना कर पाए। ठीक है, इफेक्ट ना कर पाए। तो जो भी हमारा मॉड्यूलेशन का प्रोसेस होता है वो ट्रांसमीटर एंड में होता है। तो ट्रांसमीटर एंड में जो मॉड्यूलेशन का प्रोसेस अप्लाई किया जाता है उसमें मैसेज सिग्नल के साथ में कैरियर सिग्नल को मर्ज किया जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे पल्स मॉड्यूलेशन देख रहे हैं। पल्स मॉड्यूलेशन में मैसेज सिग्नल के साथ में पल्स को मॉड्यूलेट किया जाता है और उसके बाद जो भी हमारा सिग्नल जनरेट होता है उसको ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक, तो जब हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की बात करते हैं तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में जो भी सिग्नल होता है उसकी विड्थ चेंज होती है अकॉर्डिंग टू जो भी हमारा पल्स होता है उसकी विड्थ चेंज होती है अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। जैसे जैसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ते जाता है हमारे पल्स की विड्थ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम होते जाता है हमारे पल्स की विड्थ कम होती जाती है। ठीक है, अब ये जो सिग्नल है एटमोसफेयर से होता हुआ रिसीवर तक पहुँच जाता है। ठीक है, एटमोसफेयर में कुछ नॉइज भी आएंगी जो उसको डिस्टॉर्ट करेगी। डेफिनेटली यहाँ तक तो हमें क्लियर है। ठीक, तो जब सिग्नल हमारा रिसीवर एंड पे पहुँचता है तो रिसीवर एंड में सबसे पहले प्रोसेस अप्लाई किया जाता है डीमॉड्यूलेशन का। ठीक है, डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस ऑलवेज ऑकर्स इन रिसीवर एंड। डीमॉड्यूलेशन का प्रोसेस हमेशा रिसीवर एंड में किया जाता है। ठीक, तो आज की जो हमारी ये वाली क्लास है इसमें हम लोगों को डीमॉड्यूलेशन ऑफ PWM ही देखना है। ठीक, अब ध्यान रखिएगा PWM में जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो इन फॉर्म ऑफ विड्थ स्टोर्ड होती है। PAM में इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड स्टोर होती है। PPM में जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है इन फॉर्म ऑफ पोजीशन स्टोर्ड होती है। क्लियर यहाँ तक? तो जब जब भी हम डीमॉड्यूलेशन करते हैं PWM का तो सबसे पहले PWM को कन्वर्ट किया जाता है PAM में। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी विड्थ के वेरिएशन में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर थी उसको हम लोग एम्पलीट्यूड के वेरिएशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक, अब ये जो प्रोसेस है ये कैसे किया जाता है, विड्थ के जो भी चेंजेस है उसको एम्पलीट्यूड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसको समझाने के लिए मुझे ब्लॉक डायग्राम आप लोगों को बताना होगा। ठीक, आप यहाँ पे इसका एक ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं। ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है कि डीमॉड्यूलेशन को समझने के लिए हम इसके ब्लॉक डायग्राम को देखते हैं। ठीक है, जो PWM के डीमॉड्यूलेशन का जो ब्लॉक डायग्राम है ये दो तरीके का है। ठीक है, आइदर आप इस डायग्राम को प्रेफर कर सकते हैं, आइदर आप लोग इस डायग्राम को देख सकते हैं। ठीक, तो जो भी हमारा ऊपर वाला जो भी हमारा डायग्राम है, जो भी हमारा ऊपर वाला जो डायग्राम है इसमें हमारा एक फेस स्प्लिटर दिया और पावर स्प्लिटर दिया हुआ है। पावर स्प्लिटर का काम होता है जो भी हमारा पावर है उसको दो इक्वल पार्ट में स्प्लिट करना। ठीक, देन रैंप जनरेटर का काम होता है। रैंप जनरेटर होता क्या है? रैंप जनरेटर एक्चुअली एक इंटीग्रेटर सर्किट होता है। ठीक है, जो हमारे स्क्वायर वेव को रैंप सिग्नल में कन्वर्ट करता है, क्योंकि वो रैंप सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रैंप जनरेटर। क्लियर, पल्स जनरेटर क्या होता है? पल्स जनरेटर एक सर्किटरी होती है जिसका काम होता है सिंक्रोनस पल्स जनरेट करना। ठीक, ट्रांसमीटर साइड में भी सिंक्रोनस पल्स जनरेट होती है, रिसीवर साइड में भी सिंक्रोनस पल्स जनरेट होती है। क्लियर, तो यही हमारा एक सिंक्रोनाइजेशन का जो भी एक ड्रॉबैक है यही हमारे पल्स मॉड्यूलेशन में होता है कि हमें बहुत ही हायर प्रिसीजन की जरूरत पड़ती है, बहुत हायर सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ती है दोनों एंड में। अगर सिंक्रोनाइजेशन में या पल्स के जनरेशन में थोड़ा सा भी अगर मिसमैच होता है तो हम आउटपुट पे सिग्नल को रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पल्स जनरेटर एक सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल आप इसको समझ सकते हैं। देन क्लिपर का वर्क होता है, ये जो हमारा है ये एडर है। एडर रैम का जो भी आउटपुट है और पल्स जनरेटर का जो भी आउटपुट है दोनों को आपस में ऐड करेगा, दोनों के वोल्टेज को आपस में ऐड करेगा। देन इट इज प्रोवाइडेड इनटू क्लिपर सर्किटरी। नाउ व्हाट इज द वर्क ऑफ क्लिपर? क्लिपर क्या करता है कि एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड के बाद के एम्पलीट्यूड को क्लिप कर देता है। ठीक है, आफ्टर इट इज प्रोवाइडेड इन टू लो पास फिल्टर एंड द आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर इज द मैसेज सिग्नल। ठीक, या तो आप इस ब्लॉक डायग्राम को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का एक और ब्लॉक डायग्राम होता है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मैंने नीचे मेंशन किया।
ठीक है। यहाँ पे देखिएगा जो भी मैंने ए पोर्ट मेंशन किया, आप यहाँ पे देखेंगे जो भी ए पोर्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, यहाँ से हमारे पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेव, जो भी पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेव होगी वो इंसर्ट करेगी, क्योंकि मुझे पता है कि डीमॉड्यूलेटर सर्किटरी में इनपुट क्या होगा, डीमॉड्यूलेटर सर्किटरी में इनपुट होगा मॉड्यूलेटेड आउटपुट, और पीडब्ल्यूएम के केस में मॉड्यूलेटेड आउटपुट क्या क्या होगा, पीडब्ल्यूएम सिग्नल। तो जो भी ए पोर्ट है वहां से हम लोग पीडब्ल्यूएम सिग्नल को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमारा जा रहा है पल्स जनरेटर, ठीक है। आप लोग यहाँ पे जो ये पल्स जनरेटर मैंने लिखा है, इसको आप एक फिल्टर मान सकते हैं, लो पास फिल्टर एक मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको एक फिल्टर की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं जो भी ये पल्स जनरेटर है, नहीं तो आप इस चीज में कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे दो पल्स जनरेटर यूज किए गए, इसको आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, दिस वन इज द फिल्टर, ठीक है। इसका काम किया जाता है जो भी हमारे सिग्नल के साथ में जो भी नॉइस होगी, उस नॉइस को हटाने के लिए इसका इस फिल्टर का हम लोग यूज करते हैं। नाउ द आउटपुट ऑफ दिस फिल्टर इज प्रोवाइडेड इन टू अ रैंप जनरेटर एज वेल एज पल्स जनरेटर, सेम एज जो भी हम लोगों ने ऊपर ब्लॉक डायग्राम देखा था, इसके बाद का प्रोसेस हमारा सेम है, ठीक है। तो आइदर आप ऊपर वाला जो भी हमारा ब्लॉक ब्लॉक डायग्राम है आप इसको यूज कर सकते हैं, आइदर जो हमने नीचे जो ब्लॉक डायग्राम यूज किया आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, दोनों की वर्किंग लगभग एक ही जैसी है, ठीक है। सिर्फ ये जो भी हमारा डिफरेंस है, पावर स्प्लिटर है और यहाँ पे पल्स जनरेटर है। ये पावर स्प्लिटर जब दोनों के एम्पलीट्यूड को हाफ करते हैं बेटा, इसका मेन पर्पस ये है कि उसके जो भी एम्पलीट्यूड है उसको शार्प करना, और यहाँ पे हम लोग फिल्टर यूज के इसका भी काम है कि एम्पलीट्यूड में जो भी चेंजेस है उसको हटा के एम्पलीट्यूड को शार्प करना, तो दोनों का वर्क एक है, ठीक है। तो आप इसको भी बना सकते हैं, इधर इसको भी बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक। तो अगर मुझे इसी वेवफॉर्म को आप लोग इसी डिमॉड्यूलेशन को आप लोगों को समझाना है बाय यूजिंग वेवफॉर्म, तो मैं नेक्स्ट पेज में मूव कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे चेक कीजिएगा प्रॉपरली कि ए हमारा पीडब्ल्यूएम सिग्नल है, फिर बी इसका आउटपुट है, मैं बार बार पेज टर्न करके आप लोगों को इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी हमारा पीडब्ल्यूएम का जो भी आउटपुट है आप उसको इस वेव इन वेवफॉर्म से समझ सकते हैं, ठीक। यहाँ पे जो सबसे ऊपर जो मैंने ए पोर्शन मेंशन किया है, ये ए पोर्शन क्या है, ये हमारा ए ये है, दैट मींस हमारा पीडब्ल्यूएम वेव है ना, जो हमारे रिसीवर में जो इनपुट आ रहा है वो है ए। तो हमारे रिसीवर में किस टाइप का इनपुट आ रहा है बेटा, हमारे रिसीवर में आ रहा है ये वेवफॉर्म, हमारे रिसीवर में एज अ इनपुट आ रहा है, क्लियर है, ये हमारे रिसीवर में इनपुट आ रहा है, ठीक। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये जो इनपुट हमारा पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेव आ रहा है, इसके आप लोगों को एम्पलीट्यूड में कुछ फ्लक्चुएशन दिख रहा है, कुछ नॉइज दिख रहा है, ठीक है। ये जो हमारे जिटर होते हैं, ये जो हमारे नॉइस स्पाइक्स हैं, ये हमारे इनको हम नॉइस स्पाइक्स कहते हैं। ये हमारे क्यों आते हैं, ये ड्यू टू नॉइस नॉइस आते हैं, ये जो फ्लक्चुएशन है। तो पावर स्प्लिटर का भी काम ये होता है कि इसके इसके पावर को हाफ कर देना, इसके पावर को स्प्लिट कर देना, ताकि ये जो फ्लक्चुएशन है ये हट जाए। और लो पास फिल्टर का भी यही काम है, ये हमारे सर्किटरी में कि जो भी फ्लक्चुएशन है उसको वो कट ऑफ कर दे, ताकि जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो शार्प हो जाए, बात समझ जाए। तो जब हम ध्यान दीजिएगा, तो जब हम अपने इनपुट को जब पल्स लो पास फिल्टर से पास करते हैं, तो लो पास फिल्टर क्या करेगा कि उसके जो भी फ्लक्चुएटेड आउटपुट है उसको वो हटा देगा, तो मुझे एकदम शार्प आउटपुट मिल जाएगा जो आपको यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है, क्लियर है। अब क्या होता है कि ये जो हमारा आउटपुट होता है इसको हम किस में प्रोवाइड करते हैं, रैंप जनरेटर एज वेल एज पल्स जनरेटर में, ठीक। तो रैंप जनरेटर क्या करता है, जो मैंने बताया रैंप जनरेटर कुछ नहीं है, एक इंटीग्रेटर सर्किटरी है। इंटीग्रेटर का सर्किटरी का काम क्या होता है कि सपोज जब उसमें एक स्क्वायर वेव जब उसमें एज ए इनपुट प्रोवाइड की जाती है, तो स्क्वायर वेव को एक रैंप सिग्नल में कन्वर्ट करता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रैंप सिग्नल जनरेटर। तो जो भी हमारा जब यहाँ से लेकर यहाँ तक स्क्वायर वेव प्रोवाइड की जाएगी उसमें एज ए इनपुट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो इंटरवल है उसमें वो एक रैंप सिग्नल जनरेट कर देगा। आप इसको ऐसे वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ करके भी समझ सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जब स्क्वायर वेव आ रही है तो उस इंटरवल में वो एक रैंप सिग्नल जनरेट करता है, और जो भी लास्ट का हायर वोल्टेज होता है, लास्ट का सबसे फाइनल वोल्टेज होता है, उसको वो स्टोर करके रखता है जब तक वो नेक्स्ट पल्स अप्लाई नहीं की जाती। जब नेक्स्ट पल्स अप्लाई होती है देन वो अपने तब तक वो इसको स्टोर करता है, देन जैसी नेक्स्ट पल्स अप्लाई की जाती है तो नेक्स्ट हमारा रैंप सिग्नल जनरेट होने लगता है, बात आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रही होगी। तो जो इसकी जितनी भी विड्थ होगी हमारे पीडब्ल्यूएम सिग्नल की, उतना ही हमें स्लोप मिलेगा। तो हमें पता है कि जब स्लोप जब विड्थ कम होगी तो स्लोप कम होगा, और जब जब स्लोप कम होगा तो हमारे सिग्नल की हाइट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्लियर आप लोगों को। तो आपको कुछ इस टाइप का पैटर्न मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा आप लोगों को इस टाइप का पैटर्न, ये आपको पल्स जनरेटर के आउटपुट में मिलेगा।
अब आप देख रहे हैं कि यही जो हमारा बी सिग्नल था, यही जो हमारा लो पास फिल्टर का जो आउटपुट था, वो पल्स जनरेटर में प्रोवाइड किया जा रहा है। पल्स जनरेटर क्या है? एक सिंक्रोनाइजेशन पल्स जनरेट करने का एक डिवाइस, एक सर्किटरी है, जिसका काम क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में पल्स को जनरेट करने का। ठीक, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप लोग यहाँ पे चेक कीजिएगा, ये है हमारा आउटपुट पल्स जनरेटर का, ये हमारा आउटपुट पल्स जनरेटर। ठीक, ये पल्स जनरेटर क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में आप कितनी सारी पल्स के बीच का डिफरेंस आप चेक कर लीजिए, सारी पल्स के बीच का डिफरेंस सेम है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिंक्रोनाइजेशन पल्स। ठीक है, तो अब ये वाला जो आउटपुट है, ये जो हमारे जो पल्स जनरेटर का जो आउटपुट है और रैंप का जो आउटपुट है, दोनों प्रोवाइड किए जाते हैं एडर में। आप दोनों सर्किटरी में चेक कर सकते हैं, दोनों में वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं एडर में। एडर क्या करेगा, दोनों के एम्पलीट्यूड को आपस में ऐड कर देगा। ठीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी हमारा ये वाला जो सिग्नल है, जो हमारा आउटपुट ऑफ रैंप सिग्नल है, और ये वाला जो सिग्नल है, जो आउटपुट ऑफ पल्स जनरेटर है, दोनों को आपस में ऐड कर दिया गया। जब हम दोनों को आपस में ऐड करेंगे, तो इस टाइम इंटरवल का जो भी हमारा एम्पलीट्यूड है और इस टाइम इंटरवल का जो भी हमारा एम्पलीट्यूड है, जो ये है, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो डेफिनेटली ये वाला जो एम्पलीट्यूड है वो इसकी हाइट बन जाएगा। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, वैसे ये वाला जो एम्पलीट्यूड है वो इतने इंटरवल में इसमें ऐड हो जाएगा, तो इसकी हाइट बन जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये किसका आउटपुट आया है, ये एडर का आउटपुट आया है। ठीक, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो एडर का आउटपुट होता है, उसको हम लोग क्लिपर में प्रोवाइड करते हैं। क्लिपर क्या करता है कि एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड के हायर वोल्टेज को कट ऑफ कर देता है। ठीक है, तो ये मेरा मैंने कट ऑफ कर दिया, मैंने क्लिप कर दिया इसके ऊपर के एम्पलीट्यूड को। जब मैंने इसके ऊपर के एम्पलीट्यूड को कट ऑफ किया, तो क्या होगा, इसके ऊपर का एम्पलीट्यूड को जैसे मैंने कट ऑफ किया, तो जब बस ऊपर का जो भी एम्पलीट्यूड है वो मुझे मिलेगा। ठीक, तो इसके पहले का अगर लेक्चर आप लोगों ने अटेंड किया है, तो आप लोगों को पता होगा कि ये किस टाइप का सिग्नल है, जिसमें हमारा एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है और विड्थ कांस्टेंट है। ये हमारा PAM सिग्नल, बात समझ में। तो जब हमारा PAM सिग्नल मिल जाता है, तो बाय यूजिंग सैंपल एंड होल्ड सर्किटरी, हम लोग इस जो भी जो बीच का जो इंटरवल आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, अगर मैं सैंपल एंड होल्ड सर्किट को इसको पास करूँ, तो डेफिनेटली एक पल्स वहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी, जिसके थ्रू मुझे एक आइडियल शेप मिल जाएगा, मुझे एक शेप मिल जाएगा कंटिन्यूस सिग्नल का। ठीक है, तो जब हम इसको या तो हम इसको पास कर दें लो पास फिल्टर से, जब लो पास फिल्टर से पास करेंगे, तो लो पास फिल्टर का भी वही काम होगा कि जो भी फ्लक्चुएशन होगा इस इंटरवल में, जो भी फ्लक्चुएशन आएगा, उस फ्लक्चुएशन को कट ऑफ कर देगा, शार्प कर देगा, ताकि आपको एक स्मूथ वेव आउटपुट मिल जाएगी। ठीक, और ये स्मूथ वेव क्या है, ये हमारा मैसेज सिग्नल है। ठीक है, ये जो लास्ट में मैंने जो मेंशन किया बेटा, वो क्या है, ये हमारा आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर है, और आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर क्या था, यही हमारा मैसेज सिग्नल था। ठीक, तो ये जो हमारा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का जो भी हमारा टॉपिक था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो हमारा ब्लॉक डायग्राम जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। आइदर आप ये वाला ब्लॉक डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं, आइदर आप नीचे जो मैंने ड्रॉ किया आप इसका यूज़ कर सकते हैं, और एट लास्ट आप लोगों को मेंशन करना होगा, आप लोगों को समझना होगा कि हर ब्लॉक के बाद में आपके आउटपुट वेवफॉर्म्स कैसे मिलती है, कैसे दिखती है। ठीक, तो ये हमारा डिमॉड्यूलेशन ऑफ PWM था, जिसमें आउटपुट है मुझे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मिल गया। ठीक है, ओके, ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।